बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्लास फर्स्ट ईयर के फिजिक्स के चैप्टर 3 का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, जो कि है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से रिलेटेड। इट इज द ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी एंड टाइम टेकन बाय इट ड्यूरिंग इट्स जर्नी। बॉडी के मोशन में जो जितना वो डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, जितने टाइम में कवर कर रहा है, इन दो चीजों के दरमियान ग्राफ जो है वो ड्रॉ किया जाता है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इज टेकन अलॉन्ग वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे हम डिस्प्लेसमेंट लेते हैं और एक्स एक्सिस पे हम टाइम लेते हैं। स्लोप ऑफ अ ग्राफ, स्लोप एट अ पॉइंट इन द रेशियो ऑफ चेंज इन वैल्यू ऑन वाई एक्सिस। स्लोप हमारे पास क्या है, किसी भी पॉइंट पे रेशियो हम लेंगे जो चेंज हो रही है वाई एक्सिस में टू द चेंज इन वैल्यू ऑन एक्स एक्सिस, उसकी एक्स एक्सिस के साथ उसके अकॉर्डिंग क्या चेंज आ रही है। Between two points on the tangent line at that point, slope किसके equal अब हो गया आपके पास इस definition के according, change in value on y-axis divided by change in value on x-axis. Slope of gradient of displacement time graph, slope of displacement time graph किसके equal होगा, delta d आपकी displacement total divided by total time यानी velocity के equal। जब आप इसमें एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे डिस्प्लेसमेंट और टाइम का, तो आपके पास जो दरमियान में लाइन आ रही होती है ग्राफ की, वो आपको वेलोसिटी दे रही होगी। स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होगा कि डेल्टा एस यानी डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, और ये आपको क्या देगी, स्पीड। डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट टाइम एंड डिस्टेंस टाइम ग्राफ, एज डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव। डिफरेंस के दोनों में कि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, तो जो डिस्प्लेसमेंट का टाइम ग्राफ होगा वो नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। नेगेटिव में क्या होगा, वो रिवर्स जर्नी को इंडिकेट कर रहा होगा, लेकिन जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो इस कंडीशन में हमारे पास कभी भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ नेगेटिव नहीं हो सकता, which means distance is always positive and increases during motion, no matter whichever is the direction of motion. Distance में हम direction नहीं लेते, तो इसमें हमारे पास क्या होगा, हमेशा motion increase हो रहा होगा, distance positive होगा, distance time graph हमेशा positive ही draw होगा, जबकि displacement time graph negative भी हो सकता है। The graph is a straight line parallel to the time axis. अगर ग्राफ हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन हो parallel to the time axis, ये time axis है और ये हमारे पास displacement है। अब जो हमारे पास स्ट्रेट लाइन आ रही है ग्राफ की, वो ये लाइन है जो कि parallel है time के। ऐसे condition में हमारे पास displacement आप देखें change नहीं हो रहा, वो constant जा रहा है, जबकि time increase हो रहा है। तो इस condition में हम कहेंगे कि body is at rest and velocity is जीरो एंड ऑल्सो एक्सेलरेशन इज जीरो। वेलोसिटी जीरो है तो चेंज इन वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, तो इससे एक्सेलरेशन भी जीरो है। नेक्स्ट थिंग इज इट शोज कांस्टेंट वेलोसिटी एंड स्लोप ऑफ ग्राफ इज कांस्टेंट, सो एक्सेलरेशन इज जीरो। अब इस कंडीशन में हमारे पास डिस्प्लेसमेंट भी इंक्रीज हो रहा है, टाइम भी इंक्रीज हो रहा है, लेकिन दोनों चीजें कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रही हैं, यानी जिस पॉइंट पे वो है उसी पॉइंट पे एक स्ट्रेट लाइन आ रही है, इस तरह से ये कॉन्स्टेंट की वैल्यू है, तो इसमें हमारे पास एक्सेलरेशन जीरो होगी। इट शोज वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, यहां से आप देखिए वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, बॉडी स्पीडिंग अप एज स्लोप इज इंक्रीजिंग एंड एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव। हमारे पास इंक्रीज शो हो रहा है एक चीज में, डिस्प्लेसमेंट भी इंक्रीज हो रही है, टाइम भी इंक्रीज हो रहा है, तो हमारे पास बॉडी स्पीड अप हो रही है, तो हमारे पास एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगी। इट शोज वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, अब ये नीचे की तरफ ग्राफ जा रहा है, तो बॉडी इज स्लोइंग डाउन एज स्लोप डिक्रीजेस एंड एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। स्लोप डिक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन हमारे पास नेगेटिव हो जाएगी। डिस्प्लेसमेंट इज डिक्रीजिंग, इस कंडीशन में जिस तरह हमने स्टार्ट में पढ़ा कि डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज हो सकती है, डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज नेगेटिव की तरफ नहीं जाएगी। तो डिस्प्लेसमेंट इज डिक्रीजिंग लीनियरली विद टाइम, एक लीनियर बिहेवियर है, जैसे हमने पहले भी एक ग्राफ में देखा, स्लोप इज कांस्टेंट, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, ग्राफ इज एक्सटेंडिंग इन नेगेटिव डायरेक्शन, ग्राफ एक्सटेंड कर रहा है नेगेटिव डायरेक्शन में, यहां तक तो ठीक आया। उसके बाद ऑब्जेक्ट हैज नॉट ओनली अप्रोच द रेफरेंस और स्टार्टिंग पॉइंट बट ऑल्सो क्रॉस्ड इट,
वो एक नेगेटिविटी की तरफ इंक्रीज किया जा रहा है और रीजन से भी नीचे चला गया है नेगेटिव साइड पर. तो इस तरह से हमारे पास डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिक्रीजिंग में आएगी और नेगेटिव हो सकती है. जैसे आप इस ग्राफ में देखो, इधर हमारे पास ये है यूनिफॉर्म वेलोसिटी शो हो रही है, एक कांस्टेंट वेलोसिटी है, ग्राफ हमारे पास कांस्टेंट था. तो ये था हमारा आज का लेक्चर. आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा. अगर आपकी कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें.